आपको बताते चलें यूपी के सीतापुर थाना तालगांव के मिरी किल्लीपुर गांव का मामला है, जहां दो दिन पहले युवक की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई थी, जिसकी दो दिन बाद शादी भी होनी थी। परिजनों ने सबको कब्र में दफना दिया था। आज गांव की पड़ोस में रहने वाली महिला ने युवक को जीवित करने का दावा करते हुए कब्र से खोदकर युवक को निकालने को कहा। गांव वालों ने कब्र को खोदना शुरू किया। हजारों की संख्या में दूर दूर से आए हुए लोग मौके पर मौजूद थे। 8 घंटे की हाई वोल्टेज ड्रामा चलने के बाद भी पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। सूचना मिलने पर तालगांव थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे व समझा बुझा कर मौके पर इकट्ठा लोगों को वहां से हटाया व कब्र को दोबारा पुनः बंद करवा दिया और तांत्रिक महिला के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी बात कही। सीतापुर से राम सागर पाल की रिपोर्ट, SKH न्यूज। पाँच दिन से बता रहे लहाज फादो और लड़का हमारा। अच्छा, तो हम फादो तो दाग नहीं लाग रहे हैं, हो गए हैं जान लो 23 दिन हो गए। तो आज जो खोदा तुमने क्या देखा? वैसे लहाज से करी है, जो खोदा गया उसमें ब्लड लगा हुआ था, इस पे आप क्या कहते हैं? हाँ, लगा है, खून बह रहा है, लग गया मामूली से। तो क्या जिंदा दिखा वो? जिंदा तो अभी नहीं है, कहते हैं जिंदा कर देंगे तो वो जीवित करेगी। क्या पूरा मामला था और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? ऐसा है कि ये बबलू पुत्र सुरेंद्र है, इसकी 4 तारीख को मृत्यु हुई है, कैंसर था इसको, थोड़ा उसके पेट में फूट गया था, जैसे मुझे अभी आके यहाँ आया तो पता चला है। तो उसको मृत्यु के बाद उसको दफना दिया गया था। उसकी चचेरी बहन को ये आया कि सपना कि हम इसके जीवित कर लेंगे, मुझे निकालो। इसी में जो है उसके घर वाले इसको यहाँ पे इसको दफनाया गया था, खोदने का प्रयास कर रहे थे। जैसे सूचना मिली है तो पुलिस आ गई मौके पर। इसके बाद इसको जो है इनको बताया गया कि बिना अनुमति के इस तरीके से ये नहीं होता है, और न कहीं ऐसा कोई है कि 4 तारीख को मृत्यु हुए इंसान में भाई मरने का दोबारा ऐसा अभी तक कहीं कुछ हुआ नहीं है। तो उसके बाद ये मान गए। इसके बाद इन्होंने जो उसको खोद रहे थे उसको बंद कर दावा किया, जिस महिला के द्वारा दावा किया जा रहा था। हाँ। क्या उस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अब जो उसके बनेगा उस कार्रवाई की जाएगी। और महिला जैसे है कि अशिक्षित है, यहाँ के गाँव वाले जो भी है अशिक्षा की वजह से इस तरीके से कर रहे हैं,